अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। LBH गोट चैनल की तरफ से आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माँ साप्टन कलीम भाई के पास में आए हुए हैं। माँ साप्टन कलीम भाई के जो है कुछ जानवर है, माशाल्लाह दिखिएगा, तो बात भी करेंगे कलीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से अकमल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से कलीम तुम? भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है हमारे एक दोस्त है अजहर मियाँ, जी जो कि एरा गड्ढे में रहते हैं। जी तो बहरहाल इनके पास एक बकरी थी, जो कोई बांझ बकरी दे दिए थे इनको। 2-3 साल मेहनत किए हैं उसके पीछे, जी कभी जेनी नहीं बकरी। लेकिन तो ला अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये एक बकरी हम दिए इनको, जी माशाल्लाह से 2 झोल हो गए इसके, अब ये 3rd झोल है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर माशाल्लाह 2 बच्चे निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरी के। जी और ये जो बकरी है डोडी लाइन की है, इन्हें जी माशाल्लाह से बहुत बड़े लंगर ताने बाने की है। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 2nd झोल में भी 2 बच्चे दिए, फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह झोल में भी 2 दी थी, सेकंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे दी माशाल्लाह। माशाल्लाह अब इसकी जो पार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, कान की क्वालिटी देखने की है। जो पहले की पार्ट है वो हमारे सखब के बेटे की बेटी है वो। माशाल्लाह अब ये जो पीछे आपको बकरा नजर आ रहा, ये जो बिल्कुल बकरी अब जिसके बच्चे निकले हुए हैं अपने पास, जी ये जो है लाइन्स में, ब्लड लाइन्स में बहुत नंबर 1 बकरा है। माशाल्लाह इसकी माँ जो है जाफरान की डायरेक्ट बेटी है, जो कि हमारे डबिलपुरा शरीफ भाई के घर में पैदा हुई थी, अच्छा शाहीन, जी जो अभी इरफान भाई के पास मुगलपुरे में मौजूद है। जी और बाप जो है इसका मलिका की लाइन से आता, तो अच्छा मदर लाइन जाफरान लाइन है, फादर लाइन जो है मलिका की लाइन है। अच्छा जो सुभान था बकरा, सुभान का बेटा जैकपॉट, जी जैकपॉट का बेटा ये बकरा है, जी जोरावर इसका नाम है जोरावर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब माशाल्लाह आप ये बच्चों में क्वालिटी देख सकते हैं कि जो मलिका की जो क्वालिटी थी, पार्ट में देख लीजिए आप, जी, एग्जैक्ट सेम वही ये राइट पंच साइड की पिक्चर, ये जी राइट वो जो वाली डार्क पार्ट कलर में नजर आ रही है जी, आपको, वो पार्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इंतहाई प्यारा पंच चेहरा, चेहरे में। और सेम कान का शेप देख लीजिए आप, मलिका को हटाना इसको बहुत रखना, क्योंकि खूबसूरत कान बचपन से हम मलिका को देखे हुए हैं, बहुत पंच छोटी थी माशाल्लाह जब से। जी बाद में 6 लाख को बिकी वो बकरी, और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी बड़ी दावत हुई थी जब इन्हें बिकी। तो मलिका मलिका जब बिकी जी तो सारे शौकीन एक जगह जमा हो गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। उसकी एक बेहतरीन फोटो भी है, कभी वो भी पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल भाई तो अभी ये बकरी है, देखिए ये डोडी माशाल्लाह लाइन की है। इसके कान, इसकी खूबसूरती देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा कान का बच्चा खुलापन, बिल्कुल ये कोई खुल के दिखाने की जरूरत नहीं है। खुला जी और बिल्कुल ये नए शौकीन है हमारे जर बाबा, जी अच्छा हम इनको सपोर्ट, अब लोग बोलते हैं आप बकरी भराते नहीं, भाई भाई जी भराते नहीं, हम बकरा ही दे देते। हमको माशाल्लाह जो समझ में आ गया, ऐसे कितने की जनों के पास बकरे छोड़ते, मगर वो लोग वफा नहीं करते साहब, क्या सही बात करेंगे। जी अब ये बच्चा ऐसा है कि हम जब भी कहीं उम्रे को गए या कहीं भी गए, तो अजहर मियां हमारे बकरियां भी देख लेते हैं जी जी माशाल्लाह से। माशाल्लाह अल्लाह तो एक बरकत दे जिम्मेदार बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तब जी इनके पास ये प्यारा सा जोड़ा निकले हुआ है बहुत प्यारा माशाल्लाह, माशाल्लाह चाहे पन्नर ले लो आप, चाहे पार्ट ले लो, जी कानों की क्वालिटी बगल टेप के है। देखिए बिल्कुल अभी उसकी 7 दिन मैं के बच्चे हैं वो बिल्कुल। नाभि भी नहीं गिरी बच्चों की, जी हो जी 7 डेज के अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं तो अभी अब बच्चों का चेहरा देखिए आप, कान की बहुत क्वालिटी देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये चीज क्या है, ब्रीड लाइन पे जब काम करते हैं जी इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, यानी प्योर कि प्योर कोई है प्योर पतिरा नहीं होती है, जी कोई हाँ पंजाबन नहीं होती, जी हाँ कोई दूसरी बीटल विटल नहीं होती है। मिक्स अल्हम्दुलिल्लाह जो 25-30 साल से हम जो मेहनत कर रहे हैं ब्रीड के पीछे, बिल्कुल ये प्योर हैदराबादी है, ये प्योर माशाल्लाह हैदराबादी लाइन है ये अल्हम्दुलिल्लाह। जी लंगर अब वगैरह जो भी बहुत प्यारा है डोडी की जो माशाल्लाह लाइन बोलते हैं आप, जो रऊफ साहब के पास ही निकली हुई है ये अल्हम्दुलिल्लाह, नामपल्ली के रऊफ साहब। जी तो ये चैंपियन की जो लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई में लाइन है ये। एक अब आप इसमें चेहरा देख लीजिए माशाल्लाह, ये पार्ट माशाल्लाह का चेहरा पार्ट है ये पार्ट है ये। जी हाँ, कि लाजवाब हम अल्लाह क्या बहुत है जबरदस्त मलिका है को बच्चा छोटे रहने से देखे थे हम बहुत, तो बिल्कुल ये बिल्कुल हूबहू ऐसी कान का शेप, माशाल्लाह जो चेहरा पंच माशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो बिल्कुल 7-8 दिन में आलम है इनका, जब जी बड़े होंगे तो आप देखेंगे कान का शेप। देखिए बिल्कुल आप, बिल्कुल जड़ से खुला कान है पूरा नीचे तक यू टाइप कान कोई है, टेप वगैरह कुछ नहीं है सपोर्ट इसका की जरूरत ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, है बगैर सपोर्ट के है ये। बिल्कुल सपोर्ट तो अब चेहरा ये माशाल्लाह है बच्चे की किस्मत समझिए, जो अजहर मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह है जो मेहनत कर रहे हैं इसके जी जी पीछे, जी उनकी माशाल्लाह किस्मत है, ये नर बच्चा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी कान की क्वालिटी माशाल्लाह भी बहुत देखिए आप, प्यारा है कान की माशाल्लाह क्वालिटी देखिए। बहुत प्यारा अब लेंथी है इसका कान बाप भी है तो 20 इंच के आसपास कान है उसका अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा 20 के ऊपर ही चुंगे अपन, जी 20 इंच पकड़ो। जी 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 तो माँ के कान जो शाहीन है, जो जाफरान की बेटी है, वो भी 20-9 पे है जी कान, 19 इंच बीस बोलते हैं इरफान भाई, तो अच्छा सैयद साहब है उन्होंने भी माशाल्लाह जो है जी 19-9 बताते हैं उन्होंने, अब जी 20 इंच होंगे वो कान। तो जी अब ये उसका बेटा है शाहीन का बेटा, इसकी माँ जो है इरफान भाई का नहीं, मौजूद है माशाल्लाह मुगलपुरे बिल्कुल में, खुला पत्ता साफ कान है दोनों बगैर कान एक ही साहब सपोर्ट में के है अच्छे साहब, हैं जी बगैर कोई झोल कुछ सपोर्ट भी नहीं, वाला कोई जी टेप नहीं है इसको, पीछे कुछ चिपकावा या अपन हाथ पकड़ के भी दिखाने की जरूरत नहीं, जी जी जड़ से माशाल्लाह खुले कान है इसके अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके ही नहीं, इसके 6-8 रिजल्ट आए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे एक्सट्रीम पंच में है। माशाल्लाह
जब भी शौक करे साहब तो ब्रीड हाँ। लाइन में काम करेंगे आप तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हाँ। ब्रीड लाइन ऐसी लाइन है, अभी इसमें साइज देख सकते हैं आप बगले का, माशाल्लाह बहुत लेंथी है माशाल्लाह, कि ऑटो में आप जब चढ़ाएंगे इसको तो इधर से चढ़ाए तो उधर से तो बाहर जाता निकल नहीं, जाता उतना बिल्कुल साइज है उसका। पीछे से हाँ। पैर लगाने लगाना है, बिल्कुल लाजिम है। लंगर ताना बहुत बहुत बाना प्यारा है लंगर, 40 के आसपास हाइट है या 40 के ऊपर ही है हाइट जी में, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अभी 4 दांत का बच्चा है। और ये बहुत लेंथी है माशाल्लाह बच्चा, बहुत चार खूबसूरत आठ लाजवाब बकरियां भरा है अपन, ऐसे ऐसे बच्चे गिरे इसके नायाब माशाल्लाह, जी क्योंकि ब्रीड लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत जने बोले अरे भाई आप, मैं ये गुलाबी देखे बकरा लिया सो, अच्छा एक गुलाब गुलाबी जी बच्चा जी देखे बच्चा लिया सो, मैं तो माशाल्लाह। सब बोले अरे सब गुलाबी ले रहे हैं आप, नासी ले रहे हैं क्या बोल के अब इसकी लाइन क्या आ रही वो आपको मालूम है, जी हो। तो हम पर ब्रीड लाइन के हिसाब से इसके चेहरा ऊपर देखिए वो करें माशाल्लाह हम भाई बिल्कुल जी तो। बहरहाल हमारा बोलने का इस्तेमाल यही है कि ब्रीड लाइन में काम करो साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छे बच्चे गिरते हैं, अच्छा मुनाफा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल और ये कोई सस्ता शौक नहीं है साहब, ये बच्चों को बहुत लोग फोन करके पूछ रहे हैं, जी क्वालिटी है साहब देंगे बिल्कुल, जो जी रेट लगा तो देंगे, क्योंकि अजहर मियां की मेहनत भी रंग लाना ना, सही बात है बिल्कुल, वो शौकीनों बच्चा का बहुत शौक मेहनत पड़ता करा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए बिल्कुल उसका ने उसको रिजल्ट भी गिरा। इंशाल्लाह जी और बिल्कुल ये जोड़ा और ये बड़े जानवर भी अगर कोई लेना चाह रहा है तो बिल्कुल देंगे अपन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगर कोई ट्रांसपोर्टिंग वगैरह इंटरेस्टेड हैदराबाद है से भरते ऑल हैं ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट कर देंगे भाई, इंशाल्लाह। कोई जैसा मसला करीम नहीं भाई है। मशहूर और मारूफ शख्सियत है हैदराबाद में, और काफ़ी नामचीन बकरे निकले हुए करीम भाई के पास से, और अलहमदिल्ला हैदराबाद से भरे बहुत नाम करें, तो इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करिएगा करीम भाई से बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।